प्यारे बच्चों, प्रथम श्रेणी के प्यारे विद्यार्थियों, आज तीसरा स्वर पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। सबसे पहले बच्चा किसे कहते हैं? बच्चा उसे कहते हैं जो मन का सच्चा हो। बच्चा किसे कहते हैं? जो मन का सच्चा हो और जो विद्या में कच्चा हो, जो अभी विद्या नहीं पढ़ सका हो, जिसे अक्षरों का कोई ज्ञान ना हो, जिसे कुछ आता जाता ना हो, चाहे उम्र उसकी कितनी भी बड़ी हो जाए। इसलिए जिन बड़े लोगों को, जो अभी तक भी बच्चे हैं, जिन्हें अक्षर ज्ञान नहीं हुआ है, जो अभी विद्या नहीं पढ़े हैं, उन्हें भी ये अक्षर ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। वो ये ना सोचें कि मैं बड़ा हो गया हूं, वो ये सोचें कि मैं अक्षरों का ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं, और जैसे ही मैं अक्षरों का ज्ञान प्राप्त कर जाऊंगा तो मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं बुद्धिमान बन जाऊंगा, मैं अक्षरों का ज्ञान ले रहा हूं, लगातार इसे अभ्यास में लाऊंगा। इसी प्रकार हर बच्चा अभ्यास लगातार करता रहे। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं स्वरों का तीसरा, जिसे क्या कहते हैं, छोटी ई। तीसरा स्वर यह है, तीसरा स्वर छोटी ई। तो छोटी ई का व्यंजनों के साथ आज आपको प्रयोग बता रहा हूं। सब बच्चे ध्यान पूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। सबसे पहले निम ब निब, सबसे पहले नी ना के साथ छोटी ई की मात्रा जो इस प्रकार से डाली गई है, ना के साथ छोटी की मात्रा क्या बन गया, नी। आगे जमा क्या कर दिया, ब निब, तो क्या हुआ, इसे कहेंगे ये है पेन की निब। तो इसको निम्बू भी बोल सकते हैं, जिसकी शिकंजी बनाकर हम लोग पीते हैं घर पे, तो ये क्या है, निब। फिर इसको नींबू भी बोल सकते हैं। आगे क्या है, हा के साथ छोटी ई की मात्रा है, क्या बन गया, ही। फिर जमा रा जमा ना, क्या बन गया, हिरन, हीरना, हिरन बन गया। फिर का के साथ छोटी ई की मात्रा क्या बन गया, की। फिर ता, फिर ब, क्या बन गया, किताब। आगे क्या बन गया, गी ला स, ये क्या हुआ, गिलास। हम रोज पानी पीते हैं और हमें यह मालूम नहीं कि यह छोटी ई की मात्रा में प्रयोग हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम, गिलास। आगे देखिए, द के साथ छोटी ई की मात्रा क्या बन गया, दी, दिन। फिर इसको दिमाग भी कह सकते हैं, दिल, क्या कह सकते हैं, दिन, दिमाग, दिल। तो आगे है ती थी, जिसे हम तारीख कहते हैं, डेट कहते हैं, ती थी। आगे क्या है, नी धी। फिर क्या है, की ला। आगे क्या है, पीता। आगे क्या है, गिलास। फिर स्यार, पिन, हिसाब। तो इनका हम लगातार शब्दों में कैसे प्रयोग करते हैं, आगे शब्दों का प्रयोग बताया गया है छोटी ई की मात्रा के साथ, किशन आ, किताब उठा, दिया जला, पिन कर हिसाब लगा। फिर क्या लिखा आगे,
दिल लगाकर पढ़। क्या लिखा है? दिल लगाकर पढ़। फिर आगे क्या लिखा है? माता पिता का कहना मान। माता पिता का कहना मान। सियार गया, शिला पर सियार था, मोहन भागा। मोहन भागा। तो हम लगातार देखते हैं कि छोटी ई की मात्रा से कितने ही शब्द रोज प्रयोग किए जाते हैं। इधर आ, इधर जा, हैं? और छोटी ई की मात्रा के साथ हम व्यंजनों को लगा करके उसका प्रयोग सही ढंग से कर सकते हैं। लगातार अभ्यास करते रहने से हमें छोटी ई की मात्रा प्रयोग में कैसे आनी चाहिए ये पता लगता है। बच्चों, आज हमने क्या बताया कि छोटी ई की मात्रा व्यंजनों के साथ कैसे लगाई जाती है। आज बस इतना ही, बाकी फिर